फाइलों पर धूल जम जाए ये एक बात है, फाइलों में कीड़े पड़ जाए ये दूसरी बात है, मगर झारखंड सरकार के परिवहन विभाग के कार्यालय में कुछ ऐसा हुआ जिसने चरमराई हुई व्यवस्था की पोल खोल कर रख दी। विभाग के कार्यालय में एक सांप घुस गया जिन्हें बाद में इन फाइलों से पकड़ा गया, मगर मशक्कत की ये तस्वीरें देखिए। सांप घुसने से कार्यालय में काम कर रहे कर्मचारियों के बीच अफरा तफरी मच गई, सभी कार्यालय छोड़ बाहर निकल गए। इसी बीच वन विभाग को सूचना दी गई, जिसके बाद वन विभाग के कर्मियों ने कार्यालय से फाइलों के बीच घुसे इस सांप को कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला। हालांकि वन विभाग की माने तो सांप जहरीला नहीं था, वन विभाग की टीम ने सांप को पकड़कर एक डब्बे में बंद कर दूर जंगल में छोड़ने की बात कही है। उसके बाद परिवहन विभाग के कर्मचारियों ने राहत की सांस ली और उन फाइलों को सरियाने में लग गए, जिन्हें अब ढूंढने में आपको हो सकता है कि इन दफ्तरों के चक्कर सालों तक काटने पड़े। मगर इस कम जहरीले सांप ने परिवहन विभाग के कार्यालय में फैले जहर की तो पोल खोल दी है। और ये वो कमरा है जहां पर आपसे जुड़ी आपके ज़रूरत की फाइलें रखी जाती हैं। सांप को पकड़ने के दौरान जो मशक्कत हुई उससे ज़मीन पर बिखरे इन कागज़ों को आप देख रहे होंगे। इनमें से आपके काम की भी कागज़ हो सकती है, जिसे आप जब इन दफ्तरों में मांगने जाएंगे तो आपको अलग अलग काउंटर पर भेज दिया जाएगा। लापरवाही विभाग की फाइलों के साथ और सुरक्षा के साथ भी कि एक कम जहरीला सांप मगर सरकारी दफ्तर में घुसा कैसे। हालांकि वन विभाग की मौजूदगी के बाद इसे किसी तरह ढूंढा गया और फिर पकड़ लिया गया, कर्मचारियों में राहत की सांस है। और अब आगे देखना होगा कि परिवहन विभाग जो इन फाइलों के बीच फंसा हुआ नज़र आ रहा है वो इस परेशानी से कैसे सुलझता है। लाइव सिटीज़ के लिए रांची से विनोद की रिपोर्ट।